तो स्वागत है गाइस हमारे फर्स्ट व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं बिसलपुर घूमने, जो हमारे से यहाँ से कितना शायद 40-50 किलोमीटर दूर है। दिखाते हैं गाइस, हम निकल चुके हैं बिसलपुर के लिए। आते फटाफट चलते हैं हम, और हम अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे अब। ठीक है, चलो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। जयपुर से आता है, कोटा तक जाता है ये हाईवे, और उससे भी आगे तक जाता है NS12 है गाइस ये। हेलो गाइस, तो ये बंदे बिसलपुर घूमने जा रहे हैं, देख सकते हो आप। तो गाइस देख सकते हैं हमारे साथ एक गाड़ी वाले हुए। तो गाइस अब उनके रास्ते में ये रही हमारी गाड़ी, एक गाड़ी ये रही, और यही पहाड़ों के पीछे है गाइस बिसलपुर डैम, और इधर गांव में गाइस अब अरावली पर्वत माला देखो कितनी फैली हुई है, बेबी बहुत तक है। और ये सीधा रास्ता वैसे तो देवली जाता है, लेकिन अभी अपन को है ना बिसलपुर जाना है, इसलिए अपन को टर्न लेना पड़ेगा। राइट टर्न लेंगे अपन, और गाइस देखो ये राइट टर्न लेंगे अब बिसलपुर यहाँ से 0 किलोमीटर बता रहे, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा 3-4 किलोमीटर है। सब पागल बनाने का काम है अपने, 7 किलोमीटर है जिंदा। भाई साहब क्या नजारा है इधर के, देखो गाइस चारों तरफ देखो, टंकी पे मंदिर बैठा, और क्या ही नजारे इधर के, पहाड़ देखो गाइस। और गाइस बिसलपुर डैम आ चुका है, क्या ही तो लग रहा है भाई, मजा आ गया इसके ये नज़ारे देखने के लिए। हम तरसते हैं भाई, जयपुर से यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए हम। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, आगे का नज़ारा हम बताएंगे अब आपको, चलो वीडियो में बने रहो। बिसलपुर डैम वहाँ देखो, बंदे नहा रहे हैं बिसलपुर के पानी में, और कितना गहरा पानी है, और यहाँ नीचे को देखा नहीं जा रहा, पीछे हो जाओ बच्चे, गिर जाओगे नहीं तो आप। और ये देखो गाइस चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और वहाँ पर एक गुफा भी दिख रही होगी आपको, जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको, देखो वहाँ पर गुफा दिख रही होगी आपको। और गाइस ये बहुत बड़ा बिसलपुर डैम है, कितने गेट है जी इसमें, 18 गेट है, दिख रहा होगा सामने वो बिसलपुर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं महादेव जी के बीच में, देखते हैं नजारे। भाई सुनील क्या बता रहा है अच्छे भाई, वहाँ पर मछली देखी, वहाँ पर मछली थी, वो पत्थर के पास अभी देखी मैंने, एक यहाँ पर मछली मछली। तो गाइस देखो तो बहुत गहरी खाई है, इधर बंदर ही बंदर दिखेंगे चारों तरफ आपको, बंदर का बच्चा देखो कितना क्यूट है यार, एक उंगली जितना बच्चा। तो गाइस आपको दिखाना चाहते हैं बिसलपुर डैम, बताओ ये है बिसलपुर डैम, और बिसलपुर के पीछे के डैम के नज़ारे भी देखना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए। भाई ये डैम है, इसके पीछे पानी है ना कि आगे, अब पीछे आपको पानी का नज़ारा बन जाता है, वो रियल पानी पीछे है इसका, बना देता है। चलो हर 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 हर। चलो भाई ऊपर से नजर अभी दिखाएंगे हम आपको, चलो चलते हैं बड़ा बंदर दिखाते हैं, बंदर से हाथ लगाए खाने वाले के लिए। यस से भैया बंदर को बस देख सकते हो, पूरा डैम का एरिया है, यहाँ पर पार्क बना पड़ा है, वो है यहाँ पर कुछ ऑफिस वगैरह है, पूरा डैम वहाँ से दिख रहा है, गेट रहे हैं ऊपर, कंट्रोल रूम है, पार्क, ये हमारा नल्ला वेला। तो गाइस ये भी फोटो शूट चल रहा है इनका, ये मुगलिया बांट रहे हैं गरीबों को। तो भाई शेयर कर रहे हैं, मेरे को तो दे नहीं रहे, थैंक यू इतने नीचे है भैया थोड़ी सी। तो भाई अभी चलते हो डैम के ऊपर, कैसा लग रहा है आगे? बहुत मजा आएगा वहाँ पे, कभी आप भी आओ हमारे।
ये पूरा डैम स्टार्ट है, यहाँ से ही पूरा पानी है। ये जाले लगाई भाई सेफ्टी के लिए, देख सकते हो गाइस बंदर का मुझे डर लग रहा है मोबाइल ले लेके जाते हैं। तो गाइस देखो जहाँ तक दिखाया जाएगा भाई सब पानी पानी, वहाँ तक देख सकते पानी पानी, सामने भी पानी पानी पानी। तो वैसे आपको ये दिख रहा है ना सामने, यहाँ से बीच में बड़े बड़े पाइप लगे हैं, इसके जरिए पानी यहाँ से सप्लाई होता है और पूरी सिटी में टोंक जयपुर भीलवाड़ा तक इसका पानी है। तो गाइस ये डैम का रास्ता है, यहाँ घूम गए लोग, ये मेन रास्ता है लेकिन यहाँ ताला लगा रखा है, जाना अलाउड नहीं है, ये ऊपर से आने का रास्ता है।